Dodo TV. राघव, संजय और सुनिधि अपने दोस्त आर्यन की बर्थडे पार्टी में ऊटी जा रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। राघव सुनसान सड़क पर धीमी गति से कार चला रहा था। राघव देखो, रात बहुत हो चुकी है, इतनी रात में ड्राइविंग करना ठीक नहीं है। ऐसा करो, कोई होटल या लॉज देखे तो गाड़ी रोक लेना, रात वहीं रुककर हम सुबह आर्यन के घर निकल जाएंगे। अरे हाँ राघव, यहाँ पास ही में एक चुड़ैल का होटल है ना, तो वहाँ गाड़ी रोक लो, इसी बहाने सुनिधि को उसकी नई दोस्त मिल जाएगी। चुप रहो संजय, ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे सुनिधि, इतना सुनसान रास्ता है, यहाँ पर तो बस भूत प्रेत ही मिल सकते हैं, कोई होटल नहीं। सुनिधि, संजय ठीक ही तो कह रहा है, मुझे भी नहीं लगता कि इस रास्ते पर कोई होटल हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, मुझे देर रात तक ड्राइविंग करने की आदत है, हम चलते रहे तो जल्द ही ऊटी पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ सुनिधि, अगर राघव इस स्पीड से गाड़ी चलाता रहा तो हम अगली रात तक तो ऊटी पहुंच ही जाएंगे। संजय तू भी ना, देख ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना सेफ नहीं होता है, अब तू चुप करके बैठ और सफर का मजा ले। यार तुम लोग ही सफर का मजा लो, क्योंकि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे अरे सुनिधि क्या कर रही हो, अरे मेरे साइड में बैठकर सो जाओगी तो मुझे भी नींद आने लगेगी, ऐसे में एक्सीडेंट भी हो सकता है। यार यार अब एक्सीडेंट हो या कोई पहाड़ टूट पड़े, मैं तो यहीं सोऊंगी। तीनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी राघव अचानक कार की ब्रेक लगाता है। कार स्लिप करती हुई थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। क्या हुआ भाई, तूने गाड़ी क्यों रोक ली? वो देखो, तुम्हारी चुड़ैल का होटल। उन्हें जंगल के बीच एक शानदार होटल दिखता है। चल संजय, जल्दी डिग्गी से सामान निकाल, आज रात हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे इतने सुनसान रास्ते पर ये होटल कौन खोलेगा, यहाँ जरूर भूत प्रेत होंगे, मैं नहीं जाने वाला अंदर। अरे भाई तू डरता क्यों है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, हम दोनों है ना तेरे साथ, चल। तीनों अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि रिसेप्शन पर एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। उसकी शक्ल बड़ी ही डरावनी होती है, उसकी आंखें गहरी काली होती हैं, चेहरे पर चोट के दागदार निशान होते हैं, दोनों पैर कटे हुए और उसके धारदार दांत बाहर निकले हुए होते हैं। संजय और सुनिधि उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। अरे भाई, इससे डरावनी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसान है। अरे यार क्या डरपोक दोस्त मिला है, अच्छा एक काम कर, तू सुनिधि के साथ यहीं रुक, मैं उससे बात करता हूँ। राघव उस आदमी के पास जाता है। इससे पहले कि राघव उससे कुछ पूछ पाता, वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए भारी आवाज में कहता है, पहली मंजिल रूम नंबर 131। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ कोई नौकर नहीं है जो हमें और हमारे सामान को रूम तक ले जा सके? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है साहब, रूम की चाबी वो उधर लटकी है, आप खुद ही ले लीजिए, क्योंकि मैं चल नहीं सकता ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं ही ले लेता हूँ। अच्छा आपका नाम क्या है, अगर हमें किसी चीज की जरूरत हुई तो हम यहाँ आपको फोन कर लेंगे। मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फोन कई दिनों से बंद पड़ा है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे नीचे आ जाना। वैसे हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, कि इस होटल में एक बार जो ऊपर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। क्यों, ऐसा क्या है ऊपर? वो आप जल्द ही जान जाएंगे। लगता है इस आदमी का स्क्रू ढीला है। राघव चाबी लेकर सुनिधि और संजय के साथ
कमरे में जाने लगता है। वो लोग जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, सुनिधि को याद आता है, अरे नहीं, मैं तो अपना पर्स नीचे ही भूल आई। कोई बात नहीं, तुम लोग अंदर चलो, मैं पर्स लेकर आता हूँ। राघव जैसे ही नीचे आता है, भाई साहब वो, राघव देखता है कि रिसेप्शन में बैठा आदमी वहां से गायब है। अरे ये कहां चला गया? खैर मुझे क्या। राघव पर्स लेकर ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही रूम के पास पहुंचता है, उसे कहीं से डरावनी आवाज आती सुनाई देती है। अरे उस आदमी ने तो कहा था कि यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है, फिर ये आवाज किसकी है? देखता हूँ। राघव आहट का पीछा करता हुआ कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगता है। राघव सहम कर वहीं रुक जाता है। तभी एक भयानक राक्षस, जिसके दोनों पैर कटे हुए होते हैं, अपने पंजों के बल घिसटता हुआ तेजी से राघव की तरफ आने लगता है। राघव डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, वो राक्षस राघव की गर्दन पर झपट पड़ता है और अपने धारदार दांतों से एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। पूरे होटल में राघव की जोरदार चीख गूंज उठती है। चीख सुनकर संजय और सुनिधि घबरा जाते हैं। संजय, वो चीख किसकी थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं सुनिधि, यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। राघव भी अभी तक नहीं आया, मैं देखकर आता हूँ। तुम ये दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। संजय रूम से बाहर आता है, तभी वो देखता है कि सामने फर्श पर हर जगह खून बिखरा हुआ है और बड़े से खूनी पंजे के निशान कॉरिडोर में आगे की तरफ गए हैं। ये देखकर संजय के पसीने छूट जाते हैं। संजय डरा सहमा पंजों के निशान का पीछा करने लगता है। वो पंजे एक कमरे में जाकर खत्म हो जाते हैं। संजय कमरे में झांक कर देखता है तो कमरे के एक तरफ राघव का कटा हुआ सिर पड़ा होता है और दूसरी तरफ वो भयानक राक्षस उसके शरीर को खा रहा होता है। संजय तुरंत वहां से भागता है। सुनिधि, सुनिधि जल्दी दरवाजा खोलो, सुनिधि भागो यहाँ से, नहीं तो वो शैतान हमें नहीं छोड़ेगा। सुनिधि दरवाजा खोलती है और यह खूनी मंजर देखकर घबरा जाती है। दोनों भागने लगते हैं, तभी सामने से राक्षस आ जाता है। राक्षस अपने पंजों के बल घिसटता हुआ संजय पर हमला कर देता है। सुनिधि भागो यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो, जल्दी भागो। राक्षस संजय को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। सुनिधि डर के मारे पसीने से तर बतर हो जाती है और ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागती है। वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन होटल के सारे दरवाजे बंद होते हैं। सुनिधि मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता। सुनिधि समझ जाती है कि उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो एक कोने में बैठी मौत के आने का इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी एक आदमी बाहर से होटल के अंदर आता है। अरे क्या हुआ मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? बचाओ बचाओ, राक्षस, वो राक्षस, उसने मेरे दोस्तों को मार डाला। राक्षस? कैसा राक्षस? देखिए मैडम, मैं विकास हूँ, इस होटल का मैनेजर, आप मुझे पूरी बात बताइए। इस होटल की पहली मंजिल पर एक राक्षस है, उसने मेरे दोस्तों को मार डाला है और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने उस रिसेप्शनिस्ट से पूछ लीजिए, वो जिसके पैर कटे हुए हैं। हाँ
अरे मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? यहाँ मेरे अलावा और कोई स्टाफ काम नहीं करता, और असल बात तो ये है कि इस होटल में कोई पहली मंजिल है ही नहीं। ये सुनते ही सुनिधि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि रात के अंधेरे में ये होटल भूतिया बन जाता है, और शायद अगर उसने संजय की बात मान ली होती तो आज अपने दो दोस्तों को नहीं खोती। वो रोने लगती है और कसम खाती है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी, और वहां से चली जाती है। हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत, वहीं रहना, बस 10 मिनट में पहुंच गया मैं। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? कान में डाली हो क्या चाबी? अब कैसे जाएं? लीजिए, ये रही चाबी। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मयंक बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर चला जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये आदमी मरा कैसे। ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई क्लू नजर आ रहा है। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर जाकर कुछ पता करते हैं। इधर दरोगा और हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुनीता को मयंक की मौत की जानकारी देते हैं। मैडम, आपको किसी पर कोई शक? आखिरी बार कुछ बताया आपके पति ने? मुझे नहीं पता, किसी का फोन आया और फिर वो चले गए, बोला आकर बताएंगे और फिर। ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। साहूपुर गांव में हुई ये घटना एक्सीडेंट थी, कोई साजिश या कुछ और, ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। पुलिस अपनी जांच में लगी थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। मयंक की मौत के पीछे की कहानी अभी कोई नहीं जानता था, और वो सब इस बात से भी अनजान थे कि ये सिर्फ शुरुआत है और आहट है उसके आने की। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से लड़के की आवाज आती है। मैं वो जिसके सपने तुम रोज देखते हो, मैं वो जो तुम्हारे दिल की तन्हाई और तुम्हारी रातों के अकेलेपन को दूर कर सकती हूँ। मुझसे मिलना चाहते हो तो तुरंत चले आओ। मैं आ रहा हूँ। जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत हो, उसे देखने के लिए तो मैं बेताब हुआ जा रहा हूँ। अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। ये हादसा भी उस दिन हुए हादसे जैसा ही लगता है। लाश की हालत भी उस दिन की तरह खराब की हुई है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। अमित की बूढ़ी माँ को जब अमित की मौत की खबर दी जाती है तो उससे भी पुलिस को यही पता चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से बाहर गया था। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है कि वहां इस तरह से आदमियों की मौतें हो रही हैं, और इन मौतों का फोन पर आने वाले कॉल से कोई कनेक्शन है। कुछ पता चला? दरोगा साहब, आप कुछ समझ रहे हो? मरने वाले दोनों आदमी थे और दोनों को ही कॉल आया था। हो ना हो, ये केसेस आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है, चलो मैं देखता हूँ, कुछ और पता चले तो बताना। अगले दिन प्रेम के टेलीफोन पर कोई कॉल आता है, और कॉल पर बात करने के बाद वो घर से निकलने लगता है कि तभी अचानक वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है। ये जो आजकल यहाँ हो रहा है वैसे ही कॉल है, मैं नहीं जाऊँगा। किसकी कॉल थी? प्रीति, किसी का टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी का हरिद्वार में एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस हैं। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं। तो तुम वेट किसका कर रहे हो? चलो हम चलते हैं अभी। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो आजकल यहाँ क्या हो रहा है। मैं नहीं जाऊँगा। मैं अम्मा को फोन कर पूछता हूँ। फोन करने पर प्रेम को पता चलता है कि उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो सोने चलते हैं, ये कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है। अच्छा हुआ मैं समझ गया और हम इसमें नहीं फंसे।
फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी, उसके टेलीफोन पर फिर से घंटी बजती है। प्रेम की आंखें खुलती हैं। घंटी की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है। कुछ देर तक घंटी बजकर बंद हो जाती है ताकि किसी का कॉल ना आए। वो टेलीफोन का रिसीवर उठाकर साइड में रख देता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सा निकलने लगता है और उनके पास आकर रुक जाता है। किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर उन दोनों की आंखें खुल जाती है और उस धुएं में से एक चुड़ैल बाहर आती है। बहुत होशियार समझता है तू खुद को, क्या लगा तुझे तू नहीं आएगा तो बच जाएगा? ज्यादा होशियार बन रहा था, अगर तू मेरे बुलाने पर आ जाता तो अकेला तू मरता, लेकिन अब तो तेरी बीवी, तेरा बच्चा सब मरेंगे। कितने दिनों से साहोपुर में ही हूँ और मैं अपनी भूख मिटा रही हूँ। ऐसे ही लड़कों को झूठे फोन कर अपने पास बुलाती हूँ, पर तू तो आया ही नहीं। चल मैं आ गई, अब तू मरेगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल प्रेम को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। प्लीज इन्हें छोड़ दो इन्हें। नहीं, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। भगवान के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों प्रेम, मैंने भी तुम लोगों से ऐसे ही भीख मांगी थी, लेकिन तुम लोग नहीं माने। याद करो, पूजा तुम? हाँ पूजा, वही पूजा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया करते थे। क्या बोलते थे, हमारा अकेलापन दूर कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती थी कि मुझे फोन मत किया करो। तुम लोगों से तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। वो दो तो मर गए, अब तेरा नंबर है। प्रीति चुड़ैल को रोकने के लिए उसके पास आती है। चुड़ैल प्रीति को जोर से धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति मंदिर के पास गिरती है। इधर चुड़ैल प्रेम को पकड़े हुए है। तू तो गया अब। वैसे तो मैं सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार बना रही हूँ, पर सोच रही हूँ तेरे घर आई हूँ तो फैमिली पार्टी ही कर लूँ। चुड़ैल प्रेम को मारने वाली ही होती है कि तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल पर छिड़क देती है। अरे ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर, अरे मैं जल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल जलने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। प्रेम अपने किए पर शर्मिंदा था और प्रीति से वो अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगता है। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन फोन की घंटी बजती है। अगर अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो, अपनी रातों को रंगीन बनाना चाहते हो, तो चले आओ मेरे पास, चले आओ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की। यूं तो हॉस्पिटल में रोज कई लोगों का मरना चीरा लगा रहता है, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी पुष्टि विज्ञान के तथ्य भी नहीं कर पाते। हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली मिसेस शुक्ला ने हमें उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर अविनाश की कहानी कुछ इस तरह बताई। उस हॉस्पिटल के आईसीयू में एक बेड था। उस बेड पर रखे जाने वाला कोई पेशेंट जिंदा लौटकर कभी घर नहीं गया। अविनाश को उस हॉस्पिटल में आए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। वो इन बातों को नहीं मानता था, इसलिए बेड्स खाली ना होने पर वो अपने पेशेंट्स को उस बेड पर शिफ्ट करवा लेता था। पर उसके पेशेंट्स जब लगातार मरने लगे तो उसको भी डाउट हुआ। उसने वो बेड वहां से हटवाने का ऑर्डर दे दिया। उसी दिन की बात है, हॉस्पिटल से फ्री होकर वो अपनी वाइफ प्रीति को उसके ऑफिस से पिक करके घर की ओर चल दिया। स्लो म्यूजिक के साथ शाम का वो सफर बड़ा ही सुहाना लग रहा था प्रीति को। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। अविनाश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उनका घर शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांत जगह पर था।
रास्ता सुनसान इलाके से होकर गुजरता था। जब इनकी गाड़ी उस इलाके से गुजर रही थी तो अचानक एक औरत गाड़ी के बोनट पर आ जाती है और अपने लंबे लंबे बड़े बड़े हाथों से कांच को ठक देती है। प्रीति की तो डर से चीख निकल जाती है। कुछ दिखाई ना देने की वजह से अविनाश का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद प्रीति की आंख खुली तो देखा अविनाश बुरी तरह से घायल हो गया था। वो बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं रहता है। वो हर आने जाने वाली गाड़ी को हाथ देती है। बहुत देर बाद एक कार रुकती है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पति का बहुत खून बह रहा है, प्लीज। वो आदमी प्रीति की मदद करता है, उन्हें उसी हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में जगह ना होने की वजह से उसको एडमिट नहीं करते वहाँ। कहीं तो जगह होगी ना, देखिए पहले ही बहुत खून बह गया है। प्लीज आप लोग ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा दे दूंगी। मैम आईसीयू में एक बेड तो है खाली, पर उस पर किसी को एडमिट नहीं करते। आप मैनेजमेंट से बात कर लें तो कुछ हो सकता है। प्रीति मैनेजमेंट से बात करने जाती है। उसी हॉस्पिटल में अविनाश के कार्यरत होने की वजह से मैनेजमेंट वाले तुरंत परमिशन दे देते हैं एडमिशन के लिए। अंततः उसको एडमिट कर लेते हैं। जब अविनाश को स्ट्रेचर से बेड पर डालने लगते हैं तो खिड़की से वही औरत देख रही होती है जो कार एक्सीडेंट के वक्त पर वहां थी। जब प्रीति की नजर उस पर पड़ती है तो उसकी लाल लाल आंखें और डरा देने वाली शक्ल को देखकर प्रीति के मुंह से चीख निकल जाती है। आईसीयू में जो लोग अविनाश को ट्रीट कर रहे होते हैं वो लोग प्रीति को देखते हैं और फिर खिड़की की तरफ देखते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। वो लोग ट्रीटमेंट करने चले जाते हैं। प्रीति को भी बैंडेज वगैरह लगाते हैं। रात में जब प्रीति सो जाती है तब वही औरत वहां आती है और आकर पहले अविनाश को देखती है और थोड़ी देर रुककर वो उसका गला दबाने ही वाली होती है कि अविनाश की आंख खुल जाती है। अविनाश उठकर बैठ जाता है। कौन हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस बेड को यहाँ से हटवाने का ऑर्डर दे दिया? और वो गुस्से से हर चीज को देखती है तो उस रूम की हर चीज हवा में उड़ने लगती है। तुम कौन हो? बोल, तुझे भी मार दूं? अभी तक कईयों को मारा है मैंने। नहीं, नहीं। मुझे भी तो मार दिया था तुम लोगों ने। 8 महीने पहले इसी बेड पर मैं मर गई थी। तब से मैं किसी को इस बेड पे जिंदा नहीं लौटने दी। मारना तो मैं भी नहीं चाहती तुझे। इस बेड पर तो हॉस्पिटल वालों ने पेशेंट्स को एडमिट करना ही बंद कर दिया था, पर जब से तू आया है तब से मुझे बहुत शिकार मिलने लगे हैं। इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहती, पर तूने तो इस बेड को ही हटवाने की बात कर दी। और इतना कहकर वो अविनाश का फिर से गला दबाने लगती है। तभी प्रीति की आंख खुल जाती है। प्रीति जल्दी से इमरजेंसी बेल बजा देती है। ये तूने ठीक नहीं किया, मैं फिर आऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अगर तेरे पति ने मुझे या मेरे बेड को यहाँ से हटाने की बात की तो तुम सब मरोगे। डॉक्टर्स और नर्स के वहां आने से पहले वो औरत गायब हो गई। जब प्रीति और अविनाश ने सबको ये बात बताई तो पहले तो लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन अविनाश के गले पर कुछ निशान थे जो किसी को समझ नहीं आए कि वो कहां से आए। हर किसी को यही लगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ इनके साथ तो ऐसे ही कुछ ब्रह्म होगा। डॉक्टर्स अविनाश को आराम करने और अकेला रहने की सलाह देते हैं और प्रीति को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं, रूम का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है और कमरे से किसी के शोर तो से हंसने की आवाज आने लगती है। हंसने की आवाज के साथ अविनाश के चीखने की भी आवाज आने लगती है। प्रीति को लगा
कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अविनाश को हमेशा के लिए खो देगी। जैसे ही प्रीति त्रिशूल से दरवाजे को छूती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हाथों में त्रिशूल लिए वो उस समय किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही सवंदर देखते हैं तो उस चुड़ैल ने अविनाश को हाथों में उठाया हुआ था और उसको मारने ही वाली थी कि प्रीति ने वो त्रिशूल सीधा चुड़ैल के पेट में घुसा दिया, जिसके कारण चुड़ैल छटपटाने लगी। उसके अंदर से काला खून जैसे कुछ निकलने लगा और एक धमाके के साथ उस चुड़ैल का अंत हुआ। उसके बाद से आज तक वो बेड उसी हॉस्पिटल के स्टोर रूम में रखा हुआ है और उस बेड को यूज करना सख्त मना है।